केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। ये सब कुछ कहा है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि छापे में ना तो सबूत मिला ना ही पैसा, और सीएम 28 मार्च को कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। इसके साथ साथ सुनीता केजरीवाल ने ये भी कहा कि खुलासा इस बारे में होगा कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया। 28 मार्च को कोर्ट के सामने केजरीवाल सब कुछ बताएंगे। ये बड़ी जानकारी दी है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी की रिमांड खत्म हो जाएगी, और सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया जाएगा कि जो घोटाले का पैसा था वो कहां गया। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो देखना होगा कि 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। वहीं चुनावी दंगल सजने लगा है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। ऐलान होने के साथ ही प्रत्याशियों ने भी समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों के बीच पहुंचे। बादली हल्के के सौंधी गांव अरविंद शर्मा पहुंचे और जीत का दावा किया। बीजेपी ने दूसरी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा पर दांव खेला है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बरादरी और जनता की टिकट है, इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के हमारे खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक विश्वास मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हरेक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के मिशन को पूरा करें। वहीं सुभाष बराला ने बड़ा बयान दिया। सीएम नायब सिंह सैनी
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सही से निभा रहे हैं, ये सब कुछ कहा है सुभाष बराला ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दोनों जिम्मेवारी इनके पास है और वो इसे बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। पार्टी को जब भी स्टेट प्रेसिडेंट मिलेगा वो बनाएंगे। अभी तक स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है, सीएम जो नायब सिंह सैनी है वही ये भूमिका निभा रहे हैं। तो इस पर सुभाष बराला ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर सुभाष बराला ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में ग्रुप बने हुए हैं, इसीलिए उनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, हमने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ा बयान राज्यसभा सांसद सुभाष बराला द्वारा दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो भी सीएम सैनी अच्छे से निभा रहे हैं। लोग एक बात देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना पार्टी के नाते व्यवहार किया है, उनके नेताओं का व्यवहार आप देख रहे हो, उनकी बयानबाजी देख रहे हो, उससे एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि जो खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, धड़ों के अंदर बटी हुई कांग्रेस है, उसको ये लगता है, सब धड़ों को ये लगता है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ऐसे में हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिल रहा है? देखिए, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कब मिलना है, कौन आएगा। ये हमारी पार्टी का नेतृत्व जो है उसका विशेषाधिकार होता है और वो जिससे भी राय करनी है प्रदेश के अंदर उनसे राय करके और इसका फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी टीम चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बेशक आज प्रदेश अध्यक्ष जी के पास मुख्यमंत्री का भी दायित्व है, तो दोनों कामों को वो बेशक कठिनाई तो होती है समय निकालने में, लेकिन बहुत बेहतरी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई न कोई घोषणा इस बारे में। वहीं बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने बीजेपी के 400 पार के नारे को महज एक जुमला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज के 10 साल भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। 7 अप्रैल को बेरी में कांग्रेस जन आक्रोश रैली कर रहे हैं और रैली का न्योता देने के लिए ही रघुवीर कादियान कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। ये तो एक जुमलेबाजी बहुत पुरानी चल रही है, जिस जुमलेबाजी में 15 लाख भी खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी आएंगी, है जी, और कितने मतलब ये आश्वासन दिए थे देश में ये होगा, क्रांति आएगी, देश में विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। आज ये चुनाव जो है 2024 का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं, ये इंडियन हिस्ट्री में जो पिछले 10 साल हैं ये ब्लैक हिस्ट्री की काले अध्याय के नाम से जाना जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, तो आज ये लड़ाई जो है ये नफरत फैलाने वालों के और प्रेम करने वालों के बीच में।